रुड़की क्षेत्र में एचआरडीए की अनुमति के बिना अवैध निर्माणों का खेल जारी है। वहीं मानकों को ताक पर रखकर खोदे जा रहे बड़े बड़े बेसमेंट बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। संबंधित अधिकारी रुड़की में विभिन्न स्थानों पर पॉश कॉलोनियों में निर्माण के नाम पर भूस्वामियों के द्वारा घनी आबादी के बीच बड़े बड़े बेसमेंट खोदने का काम किया जा रहा है, जिससे कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं संबंधित अधिकारी इस बारे में साफ तौर पर कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एचआरडीए के सहायक अभियंता डीएस रावत ने कहा कि विभाग के द्वारा लगातार कार्रवाई की जाती है, साथ ही लगातार क्षेत्र में सुपरविजन भी किया जाता है। जहां भी कहीं बेसमेंट की सूचना मिलती है उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। हमारे जो हमारी फील्डिंग की टीम है वो लगातार जो है सुपरविजन करती है हमारे उसका सिविल लाइन को, क्षेत्र का सिविल लाइन में अपवाद हो सकते हैं को छोड़ के सिटी के अंदर कोई भी हो 95% में गारंटी दे सकता हूँ सबके मानचित्र स्वीकृत होंगे। और रही बात बेसमेंट की और बेसमेंट या विचलन करने की, उसके संबंध में हमारे जो है परीक्षण हम करते हैं आपकी जैसे शिकायतों के आधार पर भी करते हैं और उसे हम अपनी नैतिक ड्यूटी के आधार पर भी करते हैं, तो हम उस पर विधिक कार्रवाई हम अमल में लाते हैं। अभी तो उसने खुदाई शायद शुरू की है तो उसका परीक्षण करने के बाद ही पता चल पाएगा ये बेसमेंट बना रहा है या क्या बना रहा है। फिलहाल अभी मुझे प्रथम दृष्टया जो पता चला है मानचित्र स्वीकृत है और उसके बाद ही पता चलेगा बेसमेंट बनाएगा क्या। आदियोजित है और मौके पर काम बंद कराया गया है और मजिस्ट्रेट साहब ने पहली सुनवाई भी कर दी है और उसमें जो है ऑनर को स्वयं जो है उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।